हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 में जो है आपको इतिहास विषय में संतरत का विघटन या चक्कर है, आपका 5वां चक्कर है। इसी में जो है आपका तैमूर का आक्रमण आएगा। जैसा कि इसके पूर्व जो है हमने आपको फिरोज शाह जो तुगलक था वह उसके आक्रमण के बाद जो है उत्तराधिकारी के योग्य अयोग्य साबित हुआ और उसने जो है अपने राज्य के संचालन में अधिकांश समय जो है भोग विलास वासनाओं में और युद्ध और संघर्षों में उसने जो है बिताया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और संतन का बचा हुआ बचा खुचा जो भाग था वह दिल्ली में 1398 ईस्वी में एक तैमूर ने जो है क्या किया, दिल्ली को जो है आक्रमण कर दिया। तैमूर के आक्रमण भारत के भारत तो फिर जो है एशिया की सेनाओं को आक्रमण किया। चूंकि तैमूर जो था मध्य एशिया से जो है आया था, तुर्क सरदारों में ऐसा एक व्यक्ति था जिसने तैमूर लंग के नाम से जाना गया और तैमूर लंग ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके पूरे भारत में जो है उसने अपना जो है राज्य का संचालन करने लगा। यहाँ तक के भारत के नगरों को खूब लूटा, नगरवासियों को यहाँ तक की हत्या किया। ये तैमूर लंग जो है बड़ा ही कुख्यात और आक्रमणकारी और विनाशकारी जो है शासक था जिसने उत्तर भारत को खूब लूटा, धन लेकर के गया और उसने तैमूर ने समरकंद पर जो है जाते समय एक ख्रीज था, ख्रीज तुर्क को जो है पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर करके जो है उसने नियुक्त किया और पश्चिम एशिया में तुर्कों की भी शक्ति जो है बढ़ गई। इस प्रकार से जो है उसने जब धन लेकर के गया तैमूर जो था उसने क्या किया, मस्जिदें जो है बनवाई, ताजमहल इमारतें शानदार बनवाए। इसने भी मोहम्मद गजनवी के बाद उसने भी भारत को खूब लूटा और धन ले जा करके उन्होंने बहुत सारे जो है किया। इस प्रकार जो है और साम्राज्य का ईरान तक उसने जो है फैला दिया। 1400 से 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन था। नासिरुद्दीन ने मोहम्मद की मृत्यु के बाद ख्रीज खान जो है गद्दी पर बैठा। ख्रीज खान
यह जो खरीज खींच खा जो था इसने जो है क्या किया, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और अपने को आप स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र सुल्तान। और जब स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया तो जो है उसने और सैयद वंश की नींव डाली और 1451 में दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, पंजाब पर जो है अफगान शासक पहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिया। ये अफगान के शासक थे कौन, बहलोल लोधी। अमीरों ने शासन कहा कि दोनों में हम षड्यंत्र पैदा करेंगे, जब पैदा करेंगे तो दोनों में आपसी फूट होगी। तो बहलोल लोधी उसने जो है इस वंश का बहलोल लोधी की स्थापना हुई। बहलोल लोधी ने शासन को संतनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के बाद विद्रोही गवर्नर की शक्तियों ने उस पर जो है शक्ति को दबाने में प्रयास किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण करके जो है सरकी शासक को पराजित किया और पराजित करने के बाद से जो है उसने बहलोल लोधी के बाद उसका एक पुत्र था वह है सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी ने 1400 जो है 1517 ईस्वी तक जो है पश्चिमी भारत पर क्या किया, उसने जो है पश्चिमी बंगाल तक और गंगा की घाटी तक जो है अपना अधिकार कर लिया। और 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से हटा करके नए नगर स्थापित की जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनुभव करता था कि आगरा से वह और भी अच्छी तरह से अपने राज्य का नियंत्रण कर सके। इस उसके पास इतना अनुभव था कि नियंत्रण कर सके। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्यों को उसने संगठित किया और मूल्यों को जाना समझा, उसने आर्थिक प्रयास किया। तो लोधी वंश जो है लोधी सुल्तान अफगान थे, अंत अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अधिक निर्भर थे, किंतु राजा की शक्ति सारी स्थिति को देखकर यह सरदार अधिक जो है प्रसन्न नहीं थे और इनके प्रति जो है विद्रोह करना शुरू कर दिए। इस प्रकार से विद्रोह सब की करना शुरू कर दिए तो इनका भी संतनत का हो गया, टूट गया। और अंतिम जो लोधी वंश का जो शासक था वह था इब्राहिम लोधी जो है बड़ा विरोध किया। अंत में काबुल के शासक बाबर के साथ मिलकर उन्होंने खड़ियंत किया और खड़ियंत करने के बाद इसकी मदद से बाबर ने 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। देखो उल्टा तो जो अंतिम लोधी सुल्तान जो इब्राहिम का बड़ा विरोध किया अफगानों ने, अंत में जो है काबुल के शासक जो थे
बाबर के साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र किया, लेकिन यह षड्यंत्र जो है सफल नहीं हुआ, ये उल्टा हो गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में जो है हरा दिया। तो फिर हम आपको जो है अगले टर्न पर बताएंगे कि संतन काल की क्या उपलब्धियां हैं, क्या इसे आपको लाभ मिला, क्या नहीं लाभ मिला, इसके बारे में। धन्यवाद।